नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन का फ्रांस दौरा खत्म कर संयुक्त अरब अमीरात के लिए निकल गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनके लिए लूव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया। इस दौरान टोस्ट रेस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति में भी अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया, यह मेरे और सभी भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। पिछले 25 सालों में दुनिया ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, इसके बावजूद भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत बनी रही। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 3 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन और लड़ाकू विमान के इंजन मिलकर बनाने की डील हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने फ्रांस की नेशनल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। दोनों देशों की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को तोहफे में चंदन की लकड़ी से बना सितार गिफ्ट किया है। मैक्रों के अलावा पीएम मोदी ने उनकी पत्नी और फ्रांस की प्रधानमंत्री को भी तोहफे दिए हैं। पीएम ने राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी ब्रिजेट मैक्रों को सैंडवुड बॉक्स में पोचमपल्ली इकत उपहार में दिया। ये तेलंगाना की पारंपरिक साड़ी होती है जिस पर डाई करके पागाड़ू बंधु शैली में जियोमेट्रिकल पैटर्न बना होता है। इसके अलावा पीएम ने फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन को मार्बल इनले वर्क टेबल और फ्रेंच नेशनल असेंबली की अध्यक्ष येल ब्रांड पिवेट को हाथ से बुना हुआ सिल्क कश्मीरी कालीन उपहार में दिया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।